बिहार में साइबर ठगी के मामले हर रोज एक नए चोले में सामने आते हैं। हमने आपको कई बार बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों के बारे में बताया है कि कैसे साइबर अपराधी बस एक क्लिक से बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लोग बैंक से जुड़े हर एक ट्रांजैक्शन में अब ज्यादा सावधान रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उन्हें बिजली बिल का भुगतान करने से पहले भी बहुत ज्यादा सतर्क होना होगा, क्योंकि अब बिजली बिल के ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। बिजली बिल की पेमेंट के नाम पर उपभोक्ताओं के फोन पर पेमेंट के लिए लिंक भेजा जाता है। अगर उपभोक्ता उस लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी साइबर अपराधी इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उनके बैंक खाते से मनचाही राशि निकाल ली जाती है। कई मामलों में तो उपभोक्ता का पूरा बैंक अकाउंट खाली करके उसे कंगाल भी बना दिया जाता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि बिजली बिल के नाम पर हो रही ठगी से आप कैसे बच सकते हैं। इसीलिए हर एक बात को ठीक तरीके से समझें। सबसे पहले साइबर अपराधियों के द्वारा उपभोक्ता को बिल ड्यू होने की जानकारी दी जाती है, बिल बकाया होने का मैसेज भेजा जाता है और साथ ही उपभोक्ता को एक मोबाइल नंबर और बिल जमा करने के लिए लिंक भी इस मैसेज में दिया जाता है। बिल की पेमेंट जरूर से की जाए, इसके लिए अपराधी मैसेज के जरिए ये चेतावनी भी देते हैं कि बिजली बिल एक सीमित अवधि तक जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा और कई लोग इस डर से गलत लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि वो साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे किसी फॉल्स मैसेज के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। आपको बिजली कंपनी के द्वारा भेजे गए मैसेज और साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए मैसेज में फर्क समझना होगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि बिजली कंपनी रात में या छुट्टी के दिन बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं की बिजली नहीं काटती है। बिजली काटने से पहले कंपनी की ओर से मैसेज के माध्यम से उपभोक्ता को सतर्क किया जाता है। कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज में बिजली कंपनी का नाम, बिल जमा करने के ऐप और उपभोक्ता की आईडी और बकाया राशि, बिल जमा करने की अंतिम तिथि तथा ऑनलाइन पेमेंट जमा करने पर दी जाने वाली छूट की जानकारी भी दी जाती है। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव के कारण ये भूल कर देते हैं कि साइबर अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं। साइबर अपराधियों के मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने पर फोन काट दिया जाता है और फिर एक मैसेज भेजा जाता है कि आप दिए गए लिंक पर पैसे जमा करें। लिंक के जरिए उपभोक्ताओं से ओटीपी भी लिया जाता है, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट से अपराधी द्वारा पैसे निकाल लिए जाते हैं। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधी लोगों को बिल जमा करने के लिए व्यूअर ऐप या एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने की सलाह देते हैं और अपने खाते में 10 रुपए भेजने के लिए कहते हैं। उपभोक्ता द्वारा बताए गए ऐप के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर देने पर अपराधी उनके खाते को अपने नियंत्रण में करके मनचाही राशि निकाल सकते हैं। अगर आप ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो असली मैसेज और अपराधियों के मैसेज में फर्क को जरूर समझें। और बात जहां तक ऑनलाइन पेमेंट की है तो बिजली विभाग की NBPDCL और SBPDCL साइट पर जाकर भुगतान करना चाहिए, ताकि आपके पेमेंट बिल्कुल सेफ हो। आप देख रहे थे लाइव सिटी से सौम्या राठी की रिपोर्ट। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।